मीडिया भारत बंद कल और कल जयपुर शहर में स्कूल कोचिंग में रहेगा अवकाश। जयपुर शहर में पुलिस कमिश्नरेट की अनुशंसा पर अवकाश। जयपुर ग्रामीण के कुछ कस्बों में पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार अवकाश। आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग जगहों पर रैलियां होंगी, साथ में जयपुर में प्रदर्शन और जाम जैसी स्थिति होना संभावित है, जिससे स्कूल कोचिंग के स्टूडेंट्स के वाहन जाम में फंस सकते हैं। संभावित परिस्थितियों को देखते हुए स्कूल कोचिंग में अवकाश रहेगा। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का निर्णय का विरोध होगा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्योंकि कल भारत बंद, ऐसे में कल जयपुर शहर में स्कूल कोचिंग में अवकाश रहेगा। मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं कल, क्योंकि देखिए दीपक, भारत बंद का ऐलान कर रखा है, ऐसे में स्कूल कॉलेजेस और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, क्या जानकारी, कहां कहां पर बंद का असर देखा जाएगा? देखिए, सुबह से इसका इनपुट लिया जा रहा था कि जयपुर के अंदर कितने लोग हैं, इस रैलियां हैं, हो सकती हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और क्या जयपुर शहरवासियों को कितनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 को जिस तरीके से एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ था, उसमें जिस तरह के कह सकते हैं कि माहौल है वो बिगड़ा था, और बड़ा इसके उसको देखते हुए इस बार प्रशासन फूक फूक कर कदम रख रहा है, और कह सकते हैं कि जयपुर शहर में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की अनुशंसा पर स्कूल और कॉलेज कह सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बंद रहेंगे, और कुवा जो राष्ट्रीय से अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सेकंड है, उन्होंने जिला कलेक्टर को इसको लेकर लेटर लिखा था और अनुशंसा की थी कि जयपुर शहर के अंदर प्रस्तावित स्वतः जो भारत बंद है उसके अंदर जयपुर शहर में अलग अलग जगहों पर रैलियां, प्रदर्शन और जाम जैसी स्थितियां होना संभावित है, जिससे स्कूलों और कोचिंग के छात्रों की बसों, ऑटो रिक्शा और अन्य जो माल वाहिनी है उनके वाहनों के जाम में फंसने की संभावना है। इसको लेकर संभावित परिस्थितियों को देखते हुए अवकाश घोषित करने का उन्होंने यहाँ पर अनुरोध किया था। इसको लेकर जयपुर कलेक्टर की ओर से आदेश है वो जारी कर दिया, और जयपुर ग्रामीण के अंदर जहाँ सेंसिटिव है, जो इन इलाकों के अंदर पुलिस जयपुर ग्रामीण एसपी की जो रिपोर्ट है जिसमें शापरा है, रेलवाल माजी है, जालसू है, इसके जम्वा रामगढ़ है, मनोरपुर है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर स्कूल और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें अवकाश रहेगा। तो इस स्थिति को देखते हुए एहतियात तौर पर ये कह सकते हैं कल बंद का जो भारत बंद का आह्वान है उसमें स्कूली बच्चों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, कहीं जाम में नहीं फंस जाए, और इसको एहतियात तौर पर ये अवकाश है वो इस ठीक है दीपक, किया गया है जी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।